लाहौर काना नौ मदरी मरकज फैजान मदीना में दूर और नज़दीक से आने वाले आशिकान रसूल। वो गुनाह करता है अपने को क्या, वो गाने बाजे सुनता हमें क्या फर्क पड़ता है, वो फिल्में ड्रामे देखता हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो ये सब कुछ करता हमें क्या फर्क पड़ता है, वो चोरी करता हमें क्या फर्क पड़ता है, वो झूठ बोलता हमें क्या फर्क पड़ता है, वो फला गलत काम करता हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है का राग लापने वालों फर्क क्यों नहीं पड़ता। ये जुमला गलत कि हमें क्या फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है आ मैं तुम्हें बताऊं। जब माशरे में बुराइयां फैल जाती हैं और उन बुराइयों को ना रोका जाए तो बाकायदा माशरे पर इसका फर्क पड़ता है। जी हां, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करने जा रहा हूं। आप फरमाते लोगों, पांच बातों से बचने के लिए पांच बातों से बचो। जो कौम कम तोलती है अल्लाह पाक इन्हें महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। नंबर दो, जो कौम वादा खिलाफी करती है अल्लाह पाक उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। नंबर तीन, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती अल्लाह पाक इनसे बारिश का पानी रोक लेता है, और अगर चौपाए ना होते तो उनको पानी के कतरा भी ना दिया जाता। नंबर चार, जिस कौम में फहाशी और बेहयाई फैल जाती है अल्लाह पाक उनको ताउन के मर्ज में मुब्तला फरमा देता है। और नंबर पांच, जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है, जी हां, जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है अल्लाह पाक उनको ज्यादती यानी गलत फैसले का मजा चखाता है और इन्हें एक दूसरे के डर में मुब्तला फरमा देता है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो कम तोलता है तो, क्या फर्क पड़ता है अगर फहाशी भी हयाई फैल रही होती है तो, क्या फर्क पड़ता है अगर कुरान पाक के बगैर फैसला किया जाता हो तो, यह फर्क पड़ता है। क्या समझे, क्या फर्क पड़ता है। जिस कौम में फहाशी बेहयाई, ये आधे नंगे बनकर जो कौम घूम रही, जो घूमने वाले घूम रहे होते हैं हमारे सामने, मतलब घर के अंदर आपका बेटा घूम रहा होता है, रुकने की तौफीक हमें नहीं मिलती। हमारे आस पड़ोस के अंदर भी हयाई हो रही होती है, रुकने की तौफीक हमें नहीं मिलती। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी आंखों के सामने ये बुराइयां हो रही होती है, हमारे खानदान, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदारों में बुराइयां हो रही होती है। थोड़ी सी कोशिश करें, नरमी प्यार और मोहब्बत के साथ जाएं, थोड़ा समझाएं, थोड़ी सी बात करें, तरकीब तो दिलाएं, उकसाएं तो, मतलब उनको अल्लाह से डराए भी तो सही कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे होते हैं।